हाय एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मसाज ऑयल के बारे में बता रही हूँ, एक ऐसा मसाज ऑयल का रिव्यू कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ और दिखा रही हूँ। ये देखे, पहले देख लें इसे, इसके बारे में मैं बताती हूँ आपको, बात करती हूँ, ठीक है? ये है मसाज ऑयल। जो लोग, कुछ लोग दोस्तों, मैं सुनती हूँ कि ये अपनी फ्रेंड से कि यार क्या मसाज मालिश वालिश करवाएं, जैसे किसी को बतरी मालिश वाली होती है और लेडीज मालिश करवाती हैं, जेंट्स भी करवाते हैं, कई अपने घर पे ही करवा लेते हैं किसी से भी, है ना? तो अगर जैसे वैसे दोस्तों मालिश करवानी चाहिए, वैसे दोस्तों मैं बहुत सारी एडवाइस सबको आपको देती रहती हूँ, पर मैं खुद एक आलसी हूँ, समझ गए? यानी कि ना कभी मालिश करवाती हूँ, पर मुझे पता इतना है कि मालिश बहुत बढ़िया होती है। मालिश बॉडी के लिए कहते हैं कि जैसे कि किसी चीज को ना, कोई फसल होती है उसको खाद देते हैं ना दोस्तों, ऐसे मसाज मालिश होती है। यानी कि मसाज से दोस्तों हमारी नसें खुलती हैं, जो नसें हमारी ये जाम या फिर नसें अकड़ जाती हैं या नसों में कुछ भी ब्लॉकेज हो या कुछ हो, हर बेनिफिट और बहुत ही बढ़िया रहता है बॉडी के लिए, वो मसाज है दोस्तों। मसाज से आपको दर्द भी कहीं होगा तो वो आपका 80% कम हो जाएगा, समझ गए? यानी कि नसों के लिए, जब नसें भी हम, नसें हमारी दोस्तों जब हम मसाज करवाएंगे तो वहां से हमारी नसें वो होंगी ना, यानी कि वो पुश होंगी नसें, है ना? तो जब उसमें ब्लड सर्कुलर एकदम सही चलेगा, सही होगा, है, और वो सॉफ्ट भी होंगी थोड़ी सी, है ना? जब हम मसाज मालिश करवा रहे हैं तो मालिश आपको पता है सभी को कि कितनी बढ़िया होती है मालिश, है ना? पर भाई कई लोग इसलिए नहीं कराते, जैसे भाई हम किसी, जो लेडीज आजकल करने आती हैं वही, वो भी 100-150 रुपए ले लेती हैं, 200 रुपए तक ले रही हैं, है ना? 150 तो कम है ही नहीं, अगर पैरों पैरों की भी कराओ तो 100 से कम नहीं लेती है ना, इस वजह से नहीं कराते कई बार। पर मैं कह रही हूँ कि करानी चाहिए, मैं एडवाइस दे रही हूँ, मतलब मैं अपनी राय दे रही हूँ आपको, ठीक है? एडवाइस तो खैर नहीं दे सकती किसी बात की भी, पर मैं 100% जो आपके फायदे का और हमारे सभी के फायदे के लिए चीज होती है, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा आपको फोर्स करती हूँ, कि बहुत पुश करती हूँ आपको, मतलब यानी को तुमको बहुत ज्यादा एडवाइस उसकी देती हूँ कि हाँ अच्छे काम के लिए हमें सबको करना चाहिए, है ना? ठीक है, जैसे कि मेरे अभी किसी वीडियो में आई ड्रॉप पे मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों, यानी कि जो बढ़िया चीजें वो बता रही दिखा रही है आपको, है ना दोस्तों? तो उसमें वो वाला टाइटल, ये टाइटल है, आप देख ले ये वाली वीडियो। इस वीडियो पे कई टाइटल, कई लोगों ने थोड़ा सा कमेंट करे, बोल रहे जी मैडम जी आपका चश्मा तो हटा नहीं, है ना? तो मैंने ये उसमें मैं वीडियो में बता रही हूँ सभी के लिए, मैं क्या बताऊ, मतलब सभी को अलग अलग मैं क्या जवाब दू, मैं एक ही बार बता रही हूँ जो भी मेरी इस वीडियो को, वो वीडियो को देख रहे हैं, जिसका शायद सबको इस वीडियो में देख के कमेंट, वो अपना उनका जवाब मिल जाएगा, उनका रिप्लाई कर रही हूँ कि भाई वो इतना ऑल सम्स ड्रॉप इतना बढ़िया है दोस्तों, वो इतना बढ़िया है कि मैंने उसमें सारा कुछ बताया है दोस्तों, अगर हम उसे दोनों टाइम अगर डालते हैं तो वाकई में उससे चश्मा भी उतर जाता है, वो इतना बढ़िया आई ड्रॉप। सर मैंने, जिसने मुझे बताया था, मैं उसकी हकीकत बताया था दोस्तों, मैंने वो बिल्कुल बताया है ना दोस्तों। मैं मतलब बताया नहीं, हर इंसान आलसी होते हैं, है ना? हम लोग जरा सा भी थोड़ा सा हमें फर्क लगता है तो हम छोड़ देते हैं कि चल ठीक, मतलब कि आलस करते हैं डालने का, जबकि पास में आसमी रखा रहता है, दोनों टाइम नहीं डालते। एक तो दोस्तों वो महंगी भी बहुत हो गई, आपको बताया कि वो 100, मेरे ख्याल में 94 या 100 रुपीज की हो गई है, समझ गए? तो इसलिए भी बंदा चलो एक टाइम डाल ले, है ना, डाल लेते हैं, या चलो चल तो रहे ही है काम। पर एक बात बताऊं दोस्तों, जब हमारा चश्मा लग गया या कोई बीमारी, जैसे बंदा किसी को लग गई दोस्तों, ठीक है, तो अगर वो बीमारी वहां की वहीं रह जाती है और उससे वो 80% के कम हो जाती है, या मान लो या 90% भी कम हो गई, तो कितनी बढ़िया नहीं रहती दोस्तों? 10% तो ये तो है नहीं कि बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा, कई बार क्लियर भी हो जाएगा ज्यादा हम केयर करेंगे तो, है ना? ये तो हमारे ऊपर होता है दोस्तों, जैसे मैंने उसमें बताया ना वीडियो में, आप जाके देखें, बिल्कुल ही 1001% मेरी बात सही है दोस्तों, समझ गए? यानी कि मैं भी अगर सुबह शाम दोनों टाइम डालूं और पानी के झपके मारूं तो मेरा भी हट जाएगा, वो हो जाएगा, है ना? पर वही है, मैं भी तुम्हारे जैसी हूँ, मतलब कि करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, है ना? पर मैं दोस्तों अपने साथ साथ आपको भी मैं पुश कर रही हूँ, आपको भी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे भी कि करें, और मैं खुद को भी, मुझे भी, आप भी बोल रहे हो मुझे कि मुझे भी करना चाहिए, समझ गए? तो मैं अच्छा ही बता रही हूँ ना सबको दोस्तों, है ना? मेरी हर वीडियो में मेरी ये वाला जवाब हर वीडियो के लिए है आपके, ठीक है दोस्तों? मैं एक अच्छी बात, अच्छा वो बता रही हूँ आपको, कोई भी चीज अच्छी दिखा रही हूँ, ये ऐसी और बहुत ही बढ़िया और बहुत अजमाई हुई तो है ना दोस्तों, एक्सपीरियंस तो है ना, है ना?
तो मेरे हर वीडियो का जवाब शायद आप सबको इसमें आप ले लोगे, हर वीडियो के ऊपर है ये जवाब मेरा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि मैं आपके अच्छे के लिए बता रही हूँ, कुछ भी मैं कोई गलत या गलत मशवरा नहीं देना चाहिए किसी को भी, बहुत बड़ा गुनाह है ना, समझ गए। ये जो भी है मैं तो फायदे के लिए और सब उसके लिए मैं तो सोचने के भैया मुझे क्या पता आपकी दुआएं मिले और मैं आपकी दुआओं से सब कुछ ठीक हो जाए, मैं भी फिट हो जाऊं पूरा, सब कुछ ठीक है, मेरा भी सब कुछ चश्मा उतर जाए। बाकी दोस्तों मैं बता रही हूँ गारंटी से, अगर आपने दोनों टाइम डाल लिया ना वो, और जैसे मैंने उसमें बताया वीडियो में जाके देख ले उसमें, है ना, जो टाइटल दिखाया मैंने, थंबनेल दिखाया ये वाला मैंने, ठीक है, तो इसमें उसमें जाके देख ले पूरा पूरा, अगर ऐसे कर लिया आपने ना आपका चश्मा उतर जाएगा, सच में कह रही हूँ, इतना बढ़िया वो ऑलसम ड्रॉप्स है, ठीक है। तो दोस्तों चलो छोड़ो, मैं इसकी बात बता रही हूँ दोस्तों, ठीक है, मसाज की बात। तो दोस्तों मैं इसलिए बता रही कि बहुत लोग जो ना इसलिए मसाज नहीं कराते कि वो कहते हैं, मेरी फ्रेंड भी बोलती है कहिया कि जैसे पारक वारक में कहते हैं यार सूंट खराब हो जाते हैं, चिपचिपा सा रहता है, जैसे सरसों के तेल से कराते हैं सब लोग, या एक मालिश का और भी कई एक आधा तेल आता दिखे लाल तेल जाना कौन सा होता है उससे मसाज कराते हैं, ज्यादातर सरसों के तेल से ही लोग कराते हैं ना, तो कहते हैं यार कपड़े खराब हो जाते हैं, सारा चिपचिपा सा लगता है ना। तो दोस्तों जो कुछ बहुत लोग इस वजह से मसाज मालिश नहीं कराना चाहते कि यार नहा भी लेते हैं जब भी चिपचिपा सा रह जाता है कहीं ना कहीं, और तेल सा इतना निकलता रहता है ना, और कपड़े भी खराब हो जाते हैं, है ना। तो उनके लिए है ये दोस्तों, ये वाला जो ऑयल मैं बता रही हूँ ये खादी का है दोस्तों, हर्बल है, मसाज ऑयल है रोज। और मैंने और दोस्तों किस वजह से बता रही हूँ, किस वजह से मैंने आपको मतलब के इसकी जो खूबी है और इसकी जो ये जिसमें जो ज्यादा जो पॉइंट है, जो टिप्स है, और जो मैं जिस वजह से ज्यादा मैं जोर दे रही हूँ आपको, इस वजह से दे रही हूँ दोस्तों कि आपको अगर आपने चलो मालिश के लिए छोड़ो, मालिश ना करवाना किसी से, खुद ही आप अपने आप ही इसको थोड़ा सा तेल ले, ठीक है, है ना, और सारी बॉडी पे अपनी क्या कहें, एक दो पांच दो मिनट लग जाएगी ना और लगा ले, तो आप कहोगे कि और कपड़े पहन ले, ठीक है, चाहे आप इसे नहाने से पहले लगा ले, चाहे नहाने के बाद लगा ले, इसमें ये खूबी है दोस्तों, इस वाले ऑयल में ये खूबी है कि आप चाहे इसे नहाने से पहले लगा लें, चाहे नहाने के बाद लगा लें, आपके कपड़ों को नहीं लगेगा, आपको चिपचिपा नहीं लगेगा, और इतना बढ़िया, जितना जहां को भी जाओगे ना परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी बढ़िया खुशबू, जैसे कि लोग पूछेंगे आपसे क्या गुलाब कहाँ है, गुलाब है ना, गुलाब जलिया, गुलाब में से जैसे रोज का फूल निकलता, गुलाब का फूल खिलता है और उसमें से जो खुशबू आती है उसके पास आप खुद ऐसे देखो, ऐसी खुशबू है इसमें, यानी कि रोज का है, बहुत जबरदस्त खुशबू है, मैं खुशबू की वजह से आपको बता रही हूँ। बाकी मसाज का भी मालिश का भी मैंने बताई दी है आपके जो बेनिफिट होते हैं, और इसमें दो ही बात, दो ही पॉइंट, दो ही टिप्स मैं देना चाह रही थी आपको, दो ही बातों का बारे में मैं आपको बताना चाह रही थी कि खुशबू की वजह से इसे लगाओ, और चिपचिप ना लगे, तेल तेल ना लगे कपड़ों पे, उसकी वजह से आप लगाओ, और ज्यादातर आप खुशबू की वजह से लगाओ, क्योंकि जब हम लगा रहे हैं सारे में अपने हाथ से ही, तो खुशबू की वजह से ही लगाकर परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं होगी, और जब हम तेल ऐसे करके लगाएंगे दोस्तों ऐसे करके, तो हल्का सा अपने हाथ से मल भी लेंगे हल्का सा, पर दोस्तों उससे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना दूसरे से किसी से मालिश कराते हैं, किसी भी हम बतेरी औरतें आती हैं मालिश लेडीज करने के लिए, है ना, या किसी भी अपनी घर पे बेटी से करा ले, माँ बाप बेटे से करा ले, या बेटा मतलब कि किसी से भी जो हो आपको लगे ठीक है उससे कराने में थोड़ा ज्यादा ही अच्छा बढ़िया लगता है ना। तो ये कह रही हूँ मैं, है ना, मालिश कराने की अलग ही बात है। तो इसमें मैंने सिर्फ दो ही इसकी खूबी है बहुत ज्यादा, कि ये इसमें बहुत ज्यादा खुशबू है, जबरदस्त खुशबू है, हर्बल है, बिल्कुल हर्बल है, ठीक है। और इसके प्राइस है दोस्तों 250 रूपये, और मैं आपको हर वीडियो में हर चीज के बारे में यही बताती हूँ कि हर वीडियो को हर चीज के लिए आप पहले गूगल कर लें अच्छे से, उसके में अच्छे से देख लें, पढ़ लें, और उसके रेट भी दोस्तों अप डाउन होते रहते हैं। वैसे ये 250 रूपये का है, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और अगर आप चाहोगे तो मैं इसका अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है, तो वहां से आप बाय कर सकते हो। और मैं कहती हूँ कि हर चीज आप ऑनलाइन मंगाओ, सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट तरीका है, समझ गए, ना झंझट है, ना कुछ है, ना कहीं जाना ना आना, ऑनलाइन मंगाना सीखो, ठीक है। तो दोस्तों ये खूबी है इसमें, और ये जैसे लाल है ना, तो ये लाल नहीं लगेगा, जब बॉडी से लगाओगे ना तो लाल नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई हम परफ्यूम लगा रहे हैं, जैसे कि हम गुलाब का फूल तोड़ा है उसको मसल के ऐसे लगा रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, इसके बारे में मैं जितनी ज्यादा तारीफ करूं उतनी कम है, बहुत बेहतरीन है ये, इसमें बिल्कुल जैसे कि गुलाब को वो करके इसमें भर दिया हो, कोई कुछ चीज नहीं डाली हो उसमें, उसके अलावा ये वो चीज है, ठीक है। बाकी पूरे का पूरा आप जो ना गूगल जरूर कर लें, है ना, और गूगल ही कर लें, गूगल से फॉलो करोगे दोस्तों होगा जब भी सब कुछ, अगर मुझे फॉलो करोगे
ये जो मैं बता रही हूँ इसको अगर आप करके यूज करके लगा के मंगा के देखोगे जब तो आपको पता लगेगा कि मैं क्या बता रही हूँ कर रही हूँ आपको। मेरी हर वीडियो में जो भी कुछ फॉलो करके देखो एक ही वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि मैं 1001% बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही फायदेमंद बहुत ही जबरदस्त बहुत ही असरदार हर वीडियो है मेरी सारी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अब सारे ये भी बहुत बढ़िया असरदार है मैं बता रही हूँ आपको, इसको एक बार मंगा के लगा के देखे जब बाहर जाओगे कहीं भी आपको लगेगा भाई बहुत ही बढ़िया है, चाहे नहाने से पहले चाहे नहाने के बाद लगा लो। तो इसके रेट भी बता दिए मैंने, गूगल करने को बता दिया आपको, और ये चीज बता दिया खादी का है इसका जो है कंपनी ब्रांड है ठीक है, और बिल्कुल ये क्या कहें हर्बल है ठीक है, और रोज इसकी खुशबू है, रोज का फ्लेवर है इसमें ठीक है। ये पूरे का पूरा ये दे एक बार फिर इसकी स्क्रीन शॉट ले लें ठीक है। तो दोस्तों ये था मेरा इसमें बताने का, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझसे जुड़ें, मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आप मेरे से सारे जो भी बात हो मुझे बताएं, मैं अपने ज्यादा का रिप्लाई करने से मैं इसमें वीडियो में रिप्लाई कर दिया करूंगी जिसके भी जो भी कमेंट होंगे ठीक है। दोस्तों सब कोई भी किसी से ना जले ना चिड़े, कोई भी कुछ बात हो तो मुझसे जरूर वैसे पूछ लें आप, मैं उसका वीडियो में एक दूसरे जैसे अगर इस वीडियो में आप कोई कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई दूसरी वीडियो में कर दूंगी ठीक है दोस्तों ठीक है। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।